नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी टाडा। निफ्टी टाडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। बेस्ड ऑन द डेटा मार्केट के डायरेक्शन जो भी था वहाँ पे हम अपडेट कर रहे थे और वो पूरा डेटा काम भी किया। तो थोड़ा सा हम डेटा के बारे में जानकारी देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कल हमारा क्या टारगेट हो सकता है, कैसे आपको ट्रेड करना है, डेटा क्या इंडिकेशन कर रहा है। तो चलिए, आज इनिशियल में मार्केट ओपन हुआ 9:18 को। यहाँ पे डेटा हमें बुलिश दिख रहा था, मैंने मैसेज भी किया कि डेटा बुलिश है। सपोर्ट हमारा आपको 25,000 जो 50 का था, रेजिस्टेंस 25,200 और न्यूट्रल पॉइंट 25,125 का था। तो दोस्तों, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट वहाँ पे कॉल एंड पुट में जो भी पोजिशन बना हुआ है, यानी अगर आपको कॉल साइड जो राइटर हैं, पुट साइड राइटर बनाएं, इन दोनों के बीच का जो एक पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहाँ पे मार्केट क्या होता है, स्टेबल रहना चाहेगा, यानी उसके आसपास मार्केट रहना चाहेगा। या ये कह सकते हैं कि मार्केट का वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जहाँ पे मार्केट उस पॉइंट पे रहना चाहेगा। अब अगर न्यूट्रल पॉइंट मार्केट से, यानी स्पॉट प्राइस से, सपोज दैट कि स्पॉट प्राइस 25,030 या फिर 60 हो गया और न्यूट्रल पॉइंट हमारा 25,125 हो गया, तो ये यहाँ से लगभग आपको 70 to 80 पॉइंट ऊपर है। तो 80 अगर 90 पॉइंट ऊपर हो जाता है तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो पुट वाले होते हैं इनका प्रेशर तो ऊपर है क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट ऊपर है, मार्केट नीचे आ जाता है तो इसको क्या करेंगे, अपने तरफ से दूर धकेलेंगे, यानी पुल बैक करेंगे। पुल बैक करेंगे तो मार्केट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट के पास आ जाएगा। और सेम ऐसे ही कॉल में भी होता है। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे मैसेज किए थे और ये सारी चीज़ें देखिए जो होता है, मैं तो आपको छोटा बताता हूँ, जो YouTube पे हम लोग सीखते हैं देखते हैं वो हमारे वर्कशॉप का 10% भी नहीं है दोस्तों। तो आप तो अगर रियल में सीखना चाहते हैं कि कैसे सब डेटा के ऊपर होता है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा क्लास आज से इंट्रो हो रहा है, आप अपना मूड बना लीजिए, आराम से ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा आपको दोस्तों डेटा के ऊपर, अगर आप रियल में सीखना चाहते हैं तो। चलिए, बाकी अब नेक्स्ट क्लास कब होगा अभी कोई नहीं है, मेरा तो अभी मूड नहीं है। नेक्स्ट जो भी होगा देखा जाएगा आगे में। ओवरऑल यहाँ पे देखें कि डेटा बुलिश था, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 25,200 एंड 300 था, यानी आपको मार्केट में 200 के आसपास जाना था, लेकिन ये आपको जो 10:30 के बाद 11 o'clock में डेटा धीरे धीरे बेरिश बनने लगा, बेरिश वहाँ पे डेटा हो गया। अब मार्केट में ऐसा हुआ क्या, देखिए शॉर्ट कवरिंग पॉइंट टच हुआ कि नहीं, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमने लिखा था कि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट टच हो गया। आप देखें शॉर्ट कवरिंग पॉइंट, सॉरी आपको जो न्यूट्रल पॉइंट वहाँ पे टच हुआ 10:07 पे। तो मार्केट मैं आपको यहाँ 9:15 को या ये आपको 10 बजे न्यूट्रल पॉइंट जो हमारा था 25,125 एग्जैक्ट, ये कैंडल 25,129 का बना। अब यहाँ से आराम से आप अगर 9:30 के कैंडल को देखें, 10:30 के जो लो वाली कैंडल थी 24,997, यहाँ से मार्केट ऊपर आ गया। तो ये डेटा इंडिकेशन कर रहा था। इसके बाद 10:30 के बाद आपको जो 10:45 11 o'clock देखें, यहाँ से डेटा बेरिश होने लगा। ये डेटा इंडिकेशन पहले कर दिया कि बेरिश हो रहे हैं हम, और ये हमारे परफेक्ट जहाँ से मार्केट नीचे आया पता चल गया। तो बेस्ड ऑन द डेटा यहाँ पे पता चल जाता है। अब देखें डेटा यहाँ पर बेरिश हो गया और 25,100 पे कॉल राइटर आ गए थे, इसके बाद 25,050 पे भी, 25,000 पे भी आ गए थे स्लाइटली, जो कि पुट राइटर से ज़्यादा थे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉल राइटर है ये स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है 25,100, यानी मार्केट 25,100 के ऊपर नहीं जाना था। अब वो उनकी जो पोजीशन बन रही थी वो 25,050 एंड 25,000, इससे भी पोजीशन में बन रहा था। तो मार्केट को क्या होना, 25,050 और 25,000 के आसपास क्या होना था, एक्सपायर होना था। निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश था, तो थोड़ा सा भी अगर निफ्टी सपोर्ट किया होता तो बैंक निफ्टी जरूर ऊपर जाता। अब गया भी था देखें, तो ओवरऑल आप देखें 25,050 100, ये दोनों पे कॉल राइटर एक्टिव थे, यानी मार्केट में 25,050 के नीचे मार्केट क्लोज होना था। इवन एक बार तो 25,000 के नीचे भी आ गया मार्केट, गया भी क्योंकि 25,000 पे भी कॉल राइटर थे। तो ये सब कुछ संभव है लाइव मार्केट में, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई ऐसा एडिट नहीं है और मैं एकदम पिन टू पिन यहाँ पे मैसेज करता हूँ क्योंकि मेरी क्या औकात है, यहाँ डेटा बताता है। अगर आपको डेटा स्टडी करने आया ना होगा
तो ये पता चल जाएगा सब कुछ। अब यही हम लोग अपने वर्कशॉप में सीखते हैं, तसल्ली से वन बाई वन दोस्तों कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर। वहाँ पे आपको एक्सल आता है, डेटा आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, फिर भी सेम ट्रीट होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कल की एनालिसिस के बारे में। आज हमने देख लिया हमारी एनालिसिस क्या थी, कल क्या होगा आप डेटा में। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात किया जाए, मार्केट 24,998 के पास क्लोजिंग है, 25,000 के आसपास। 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसे थोड़ा सा नीचे दिया। अब यहाँ रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन बना है फ्यूचर में, 169 से 181,000। दोस्तों इस सीट को भी मैं बिल्कुल सिंपलीफाई कर दूंगा, बिल्कुल सिंपलीफाई। आने वाले 1 वीक्स में बिल्कुल आपको सिर्फ क्रिस्टल क्लियर डेटा दिखेगा। रिटेल ट्रेडर बुलिश है यहाँ पे, DII बेयरिश है, FII बेयरिश है। देखें ये लॉन्ग पोजिशन क्लोज किए हैं, शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट किए हैं थोड़ा सा फ्यूचर में, तो ये बेयरिश हो रहे हैं। और प्रो बुलिश हो रहा है 24 से 38, यानी प्रो ने थोड़ी सी पोजिशन बनाई। तो प्रो का पोजिशन जो फ्यूचर का होता है वो हेजिंग का होता है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश हैं, FII अगर बेयरिश है तो वो कॉल की पोजिशन में बनाया होगा, यानी कॉल की तरफ बाइंग किया होगा। लेकिन आज यहाँ पे इसकी फ्रेश पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देखें ओनली 2,000 है, जबकि कॉल यहाँ पे क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है अभी हम ऑप्शंस में उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बेयरिश पोजीशन बना हुआ है, रिटेल ट्रेडर बुलिश, FII बेयरिश है, ठीक। तो अब इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर हो गया, स्टॉक फ्यूचर में क्या है, 36% रिटेल ट्रेडर बुलिश। आज इन्होंने पोजीशन बनाई है लॉन्ग, DII शॉर्ट बनाया है, FII पोजीशन क्लोज किया है लॉन्ग से थोड़ा सा। तो कल 13% था, आज 12 हो गया। प्रो यहाँ पे 9% ही, आज बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं किया। तो यहाँ पे भी आप देखें तो 1% FII कम किया है, दैट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज में ये स्लाइटली बुलिश तो नहीं है, पहले से पोजिशन बना लेकिन आज बुलिश नहीं हुआ है, ठीक। अब मेन आपको जो इंडेक्स ऑप्शंस है इसमें दो डेटा होता है, कॉल साइड एंड पुट साइड। अब कॉल साइड में दो डेटा है, कॉल बाइंग का और सेलिंग का, सेम यहाँ पे होता है पुट बाई एंड पुट सेलिंग का, दो डेटा है। अब क्या क्या पोजीशन बना हुआ है देखिए, मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस को पकड़ लेते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या एक्टिविटी हुई है, तो आप 100% मार्केट की एनालिसिस करने में सक्षम हो जाएंगे। और जब आप एनालिसिस करने में सक्षम हो जाएंगे तो मार्केट का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, और डायरेक्शन जब मिल जाएगा तो प्रॉफिट अपने आप होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। मैं मोस्ट ऑफ द लॉसेस होते हैं आप जब डायरेक्शन में नहीं बैठते हैं, तो आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अब इसमें इनके पास मैं फिर आपको दोहराता हूँ कल वाली, इतनी इतनी पोजिशन लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से इंडाइसिस में और कौन से स्ट्राइक प्राइस में इनकी पोजीशन बनी है। अगर ये पोजीशन पता चल जाए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर इनके कॉल की बाइंग है या फिर कॉल की सेलिंग है, तो मज़ा आ जाए। फिर सेम ऐसे ही रिटेल ट्रेडर के साथ जो है तो FII का भी होगा, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल इनके पास क्या पोजीशन है इसको थोड़ा भी जानेंगे। आज देखें 291,000 क्या था, कॉल की राइटिंग पड़ी थी, मैक्सिमम पोजीशन क्लोज होने के कारण बाइंग थोड़ा यहाँ पे इनका इनिशिएट हुआ। 1,34,000 अभी भी कॉल की राइटिंग है। पुट साइड कल 11 लाख था, आज पोजीशन क्लोज हुआ ज़्यादा पुट के सेलिंग में, 3,28,000 ज़्यादा क्लोजिंग हुआ, इससे 7,80,000 अभी इनके पास क्या है, पुट की सेलिंग है। अब क्वांटिटी में देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा तो है नेट बेसिस में, यानी रिटेल ट्रेडर यहाँ से क्या है, बुलिश हैं, अभी भी बुलिश हैं। FII के पास पोजीशन दोनों साइड क्लोज हुआ है, सॉरी, लेकिन इनके पास अभी 291,000 कॉल की बाइंग है, पुट साइड 4,24,000 है, तो लगभग ज़्यादा है इनका 30% अगर आप बाइंग में देखें तो। लेकिन नेट पोजीशन 2.5% ज़्यादा है पुट की बाइंग, कैसे देखिए, जितनी इनके पास क्वांटिटी होल्डिंग है उसमें से कॉल बाइंग है 25%, सेलिंग है 20.2%, तो ओवरऑल 5.5% हुआ। पुट साइड इनकी बाइंग है 31%, सेलिंग है 23%, 8% ज़्यादा हुआ इनका पुट बाइंग।
8% पुट बाइंग, 5.5% कॉल बाइंग, 2.5% पुट बाइंग ज़्यादा, थोड़े से बेरिस हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है वो है प्रो। ऑप्शंस में प्रो के पास 335,000 राइटिंग था कॉल का, पुट की बाइंग थी, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे निफ्टी को। अब इसके पास 158,000 वो कॉल की राइटिंग है और पुट साइड इसके पास अगर बात करें तो आज पोजीशन क्लोज होने के कारण 139,000 इनके पास पुट की बाइंग हो गई, यानी प्रो बियरिस है। अब देखिए इसने नेट पोजीशन नहीं बनाई लेकिन फिर भी इसकी पुट की बाइंग आई है, तो ये जब फ्रेश पोजीशन बनाता है ना तो ये इसकी पोजीशन इसके डायरेक्शन में मार्केट जाता है, लेकिन फिर भी इसके पास पुट की बाइंग है तो मार्केट बियरिस है प्रो के हिसाब से एंड एफआईआई के हिसाब से, रिटेल ट्रेडर के हिसाब से बुलिश है। सेम स्टॉक फ्यूचर अन इंडेक्स फ्यूचर में भी है, रिटेल ट्रेडर बुलिश, एफआईआई आपको बियरिस एंड प्रो थोड़ी बुलिश हैं, लेकिन प्रो यहाँ पर पोजिशन अपनी हेज करके रखे हैं क्योंकि ऑप्शंस में वो ज़्यादा बियरिस हैं। ओवरऑल डेटा आपके सामने है, अब कहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे कौन सा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे टारगेट हमारा क्या होगा, अब कौन से इंडेक्स बियरिस है ये भी आपको पता करना जरूरी है। आजकल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अलग अलग चल रहे हैं, तो इंडेक्स कौन सा बियरिस है, 17th की एक्सपायरी में 24,971 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 25,000, यानी रेंज छोटा है। यहाँ पर राइटर देखें बैठा हुआ अच्छा कॉल में, 77% ITM, ATM 81, OTM 83, टोटल 81। बायर थोड़ा सा कॉल में है लेकिन रेस्पेक्ट टू राइटर कम है, कल ज़्यादा बायर था हम देखें, तो यहाँ राइटर का वेटेज ज़्यादा है, यानी बियरिस है हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी में पुट में थोड़ा पोजीशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-50 यहाँ पे आप देखें, लेकिन थोड़ा सा है, और बायर यहाँ पे क्या है पुट में, तो ये थोड़े बियरिस हैं हमारे बैंक निफ्टी में। 51,300 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 51,725, न्यूट्रल पॉइंट 51,513। फिन निफ्टी में कौन से स्ट्राइक प्राइस हैं, मैं आपको ये एक एक डेटा इसलिए बताता हूँ कि आप इन द मनी को ज़्यादा वेटेज दीजिए। अगर कोई प्लेयर इन द मनी बाइंग करके गया है, राइटिंग करके गया, तो अपने डायरेक्शन में मार्केट को लाएगा। 23,683 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 23,900, न्यूट्रल पॉइंट 23,792, क्लोजिंग उसी के पास है। अब इसमें भी लगभग आप ATM एंड ITM के पास देखें तो इक्वल, लगभग इक्वल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 44-42 हैं। ओवरऑल 57 थोड़ा सा है पुट के राइटर, लेकिन बायर भी यहाँ पे देखें 62, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कल जैसे आपको 80% और 60% था, ऐसा रेशियो नहीं है, स्लाइटली बुलिश है यहाँ पर फिर निफ्टी, लेकिन निफ्टी बियरिस है, तो मैं निफ्टी की तरफ जाऊँगा, निफ्टी का ज़्यादा है, बैंक नीचे आएगा, बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल है। फिन निफ्टी यहाँ पर बियरिस है 14th में, 12,946 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 12,985, ये राइटर बैठा हुआ है वो कॉल में, बायर भी कॉल में बैठा हुआ है लेकिन राइटर ज़्यादा है। फिन निफ्टी बियरिस, सॉरी मिड कैप निफ्टी बियरिस है। अब ये टारगेट क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, तो कल की अगर आप टारगेट देखें मेरा 25,137 ये था, और 51,700 जो था वो बैंक निफ्टी में था, 23,900, 23,400, 23,900 ये हमारा फिन निफ्टी का था, तो फिन निफ्टी भी आज ऊपर रहा, बहुत अच्छा बढ़िया था, बैंक निफ्टी भी था, निफ्टी बियरिस था, निफ्टी का बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था, जो टारगेट था वो हिट हुआ, लेकिन ओवरऑल अब कल के लिए मेरे पास क्या टारगेट है, यानी कौन से लेवल पे अगर मैं कल ट्रेड चाहूँ तो मुझे कौन से लेवल में इनिशिएट करना है, ट्रेड हमें क्या बनाना होगा। अब आप यहाँ पर देखें जो प्रीमियम इंडिकेट कर रहा था वो यहीं पे क्लोजिंग देख रहा था, 51,676, 24,972, दोनों बियरिस है प्रीमियम में। नेक्स्ट अगर आप निफ्टी का, आज निफ्टी की एक्सपायरी 25,026 के आसपास होना था, देखें मैं वो मैसेज भी किया था कि 25,000 और 25,100 पे अच्छे राइटर बैठे हुए हैं, 25,100 मैक्सिमम अपसाइड, डाउन साइड 24,733 और टोटल में 25,000, ये भी बियरिस, यानी कल नीचे रहेगा 25,985 अभी हमारा क्लोजिंग प्राइस,
बेस्ड ऑन प्रीमियम इसके आसपास। बैंक निफ्टी 51,837 मैक्सिमम अपसाइड अभी के लिए, डाउनसाइड 51,288, यानी आपको ये 51,837 मैक्सिमम जाएगा। फिन निफ्टी 24,000, आप देखिए यहाँ पे फिन निफ्टी बुलिश है, मैं बताया था आपको 24,400 मैक्सिमम डाउनसाइड। और मिड कैप निफ्टी 13,052 मैक्सिमम अपसाइड, डाउनसाइड 12,736 मैक्सिमम। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है मार्केट में अभी, यानी निफ्टी में कल बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। सेंसेक्स के भी हम यहाँ पे देखेंगे डेटा, अगर ऊपर में आता है तो आपको वहाँ पे फंसना नहीं है। बाकी लाइव का डेटा मैं आपको हमेशा अपडेट करूँगा। मैं क्यों बार बार लाइव बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप बायस हो जाएंगे, अगर आपने बुलिश पोजिशन लिया है और बड़े प्लेयर वहाँ पे अगर सेलिंग कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे निकलना है दोस्तों। मार्केट हमको थप्पड़ मार के निकाल देगा अगर आप नहीं निकलेंगे तो। ये चीज़ें नहीं करना है, मार्केट में पानी की तरह रहना है, यानी यहाँ पे बेरिश हो गया तो मुझे वहाँ पे पोजिशन अपना स्टॉप लॉस डाल के या फिर काट के निकल जाना है, अपोजिट में पोजिशन बैठ जाना है। अब ये चीज़ें अपडेट होता है यहाँ पे। चलिए निफ्टी का सपोर्ट फिलहाल अभी अगर आप देखें तो 25,000 का सपोर्ट है अभी, यानी 25,000 का रेजिस्टेंस, माफी चाहता हूँ 25,060 का रेजिस्टेंस। सपोर्ट यहाँ पे 24,825 का भी निकल के आ रहा है ये लेवल। तो ये लेवल अगर 25,000 ब्रेक नहीं करेगा ऊपर में, तो नीचे में आपको दिखाई देगा 24,825, ऊपर मैक्सिमम 25,160। इसके ऊपर अभी चांसेस नहीं है इसमें, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ जा रहा है। बैंक निफ्टी 51,800 ये लेवल आप देखें, जो हमारा डेटा पे भी आ रहा है 51,877 अपसाइड, डाउनसाइड 51,287, यानी अगर नीचे आएगा तो 51,200 तक आएगा, अभी 51,500 में न्यूट्रल है। फिन निफ्टी टारगेट 23,881 ऊपर का टारगेट, और डाउनसाइड का 23,642 माफी देता हूँ ये लेवल है। तो निफ्टी बीरी से तो एक बार जरूर मार्केट को नीचे लेके आएगा। और आप फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी देखें, इसका जो सभी रेजिस्टेंस 12,940, सपोर्ट नीचे है 12,780 का। डेटा बीरी से मार्केट में कल सोच समझ के ट्रेड करिए। सेंसेक्स जो कल एक्सपायरी है, ये अभी अपने सपोर्ट पे है, यानी 81,500 जो कही ये सपोर्ट है। यहाँ से अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो 80,970 का आ जाएगा, और अपसाइड का 82,098 ये लेवल, यानी दोनों ऊपर 500-600 पॉइंट का अभी पोजीशन है। FII कैश में कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, DII ने बाइंग किया आज, कैश का भी डेटा बेरिस है, FII एंड प्रो का ऑप्शंस का भी डेटा बेरिस है। कंक्लूजन के तौर पर मार्केट कल डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। बाकी लाइव का डेटा मैं क्यों बार बार कहता हूँ, क्योंकि देखिए वो बड़ा प्लेयर है, उनके बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, अगर वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहेंगे तो हम उनके साथ बैठेंगे, हम बेरिश नहीं होंगे दोस्तों। मार्केट को जब नीचे ले जाएंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। तो आप ऑलवेज इस व्यू से रखिए, इस व्यू से आप मार्केट में बैठिए, नहीं तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, हमारी आपकी कोई औकात नहीं दोस्तों। हम उनके डेटा को फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप हमारा, इस नंबर पर आप संपर्क करें, वर्कशॉप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारा, अगर स्टॉक्स में है तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं स्टॉक्स में जाके, स्टॉक्स भी अच्छा है। मैं अगर अपनी कम्युनिटी टैब पे दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं स्टॉक्स मैसेज करता हूँ दोस्तों, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। क्या है IDFC आपको यहाँ पे दिया था, एक बजाज इलेक्ट्रिक, मोतीलाल OFS आप देखें, सामान्या सीरा, ये सब तो यहाँ पे एक है पोजिशन ठीक ठाक। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके दोस्तों, कमेंट जरूर करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के द्वारा बनाया गया है, इसके आधार पर बाई या सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट नहीं कीजिए, अपने फाइनेंशियल वाइज से जरूर सलाह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उनके ही सलाह पे बाई सेल करिए। यहाँ पे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया जाता है, लर्निंग बताया जाता है कि डेटा क्या इंडिकेशन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।